दोस्तों, मैं शैलेश आपका स्वागत करता हूँ वाईफाई जी के आज के और एक नए फ्रेश वीडियो में। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों 4G रैम के साथ और भी कई जबरदस्त फीचर्स के साथ में लॉन्च हुआ है नोकिया 6। तो दोस्तों जानते हैं इसके बारे में, तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नोकिया की ऑथराइज कंपनी HMD ग्लोबल ने मार्केट में अपना बहुचर्चित स्मार्टफोन नोकिया 6 को लॉन्च कर दिया है। और दोस्तों, इसके लॉन्चिंग को लेकर कंपनी की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन दोस्तों इसी शुक्रवार को लॉन्च होने की खबर जियो न्यूज पर देखी गई है। दोस्तों, नोकिया का यह फोन पिछले साल लॉन्च हुए कंपनी के मिड रेंज स्मार्टफोन नोकिया 6 का अपग्रेड वेरियंट है, जो कि दोस्तों इसमें दिया गया है नोकिया 6 को 32 GB और 64 GB इंटरनल मेमोरी के साथ में। दोस्तों, अभी चीन के अलावा अन्य देशों के मार्केट में इसकी लॉन्चिंग से जुड़ी कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई है, लेकिन दोस्तों ऐसा पता चला है कि यह आने वाले 10 जनवरी को लॉन्च होने जा रहा है। और दोस्तों, नोकिया 6 हैंडसेट की अगर कलर की बात करें, तो दोस्तों नोकिया 6 हैंडसेट को ब्लैक और सिल्वर कलर वेरिएंट में उपलब्ध कराया गया है। दोस्तों, नए नोकिया 6 में फिंगरप्रिंट सेंसर को रियर साइड में दिया गया है। दोस्तों, वही कैपेसिटिव बटन की जगह पे फोन में ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन का यूज़ किया गया है। दोस्तों, नोकिया 6 मेटल यूनिबॉडी के साथ में आता है और इसे बनाने में 6000 सीरीज एल्यूमिनियम शीट का यूज़ किया गया है। दोस्तों, अगर बात करें इसके डिस्प्ले की, तो दोस्तों नोकिया 6 में आपको 5.5 इंच का फुल HD IPS LCD डिस्प्ले में मिलता है, जो कि दोस्तों इसका रिजोल्यूशन दे दिया गया है 1080x9020 पिक्सल का। और दोस्तों, यह ऑस्पेक्ट रेशियो इसका देखा जाए तो यहाँ पर 16:9 का 9 के साथ में आता है। दोस्तों, अगर प्रोटेक्शन की बात करें, तो यहाँ पर फोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास दिया गया है। दोस्तों, इसी तरह अगर सामने बात करें प्रोसेसर और रैम की, तो नोकिया 6 में आपको मिलता है 2.2 GHz का ऑक्टाकोर कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 630 का प्रोसेसर इसमें मिलता है। और दोस्तों, साथ ही इस फोन को कंपनी ने 6 GB रैम और 4 GB रैम के साथ में मार्केट में उतारा है। दोस्तों, बात करें इंटरनल स्टोरेज की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है 32 GB और 64 GB के ऑप्शन में यह फोन अवेलेबल है मिलता है। और दोस्तों, फोन की स्टोरेज को अगर माइक्रो SD कार्ड से अगर आप 128 GB तक भी इसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें हाइब्रिड सिम स्लॉट की, तो दोस्तों नोकिया ने नए फोन को हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ में लॉन्च किया है, यानी आपके पास दो सिम कार्ड या एक माइक्रो SD कार्ड यूज़ करने का ऑप्शन होता है। दोस्तों, फ़ोन को पावर देने के लिए यहाँ पर पावर के लिए यूज़ किया गया है 3000 mAh की बैटरी को। दोस्तों, इसी तरह अगर बात करें इस फोन के कैमरे की, तो दोस्तों फोन में ड्यूल LED फ्लैश और PDAF के साथ में 16 MP का रियर कैमरा दिया गया है। और दोस्तों, साथ ही अगर सेल्फी और वीडियो चैट की अगर बात करें, तो यहाँ पर आपको मिलता है अपर्चर F2.0 और 84° वाइड एंगल लेंस के साथ में 8 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। दोस्तों, नोकिया का नया स्मार्टफोन अगर देखा जाए, तो इसे एंड्रॉयड 7.1 नोगाड पर बनाया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके प्राइस और अवेलेबिलिटी की, तो दोस्तों आपको 32 GB स्टोरेज और 4 GB रैम वाला वेरिएंट की कीमत आपको मिल जाती है 1499 चीनी युआन, जो कि अगर इंडिया में इसकी प्राइस देखा जाए तो 14600 रुपये के आसपास में होती है। और दोस्तों, 64 GB स्टोरेज की अगर बात करें, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 1699 चीनी युआन, जो कि अगर इंडियन प्राइस की अगर बात करें, तो यह हो जाते हैं 16600 रुपये। और दोस्तों नोकिया सिक्स की अगर अभी चीन में ई कॉमर्स वेबसाइट पर इसका प्री ऑर्डर के लिए अवेलेबल है। और दोस्तों, इसकी बिक्री 10 जनवरी से शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, यह थी अपडेट नोकिया 6 के बारे में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, इसके बारे में आपके दिल में कुछ भी सुझाव सवाल हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ में रोजाना लेके आते रहता हूँ, जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।